السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. دايمن دور شيف غزالة के चैनल से आप तमाम मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूअर्स और मेरी YTN की YouTube फैमिली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जैसा कि माशाल्लाह तबारक अल्लाह ये जो मेरा आज का लॉग है कुछ डिफरेंट चीज़ों पर है, लेकिन मैं इस लॉग को शुरू करने से पहले एक दफ़ा जैसे कि माशाल्लाह हमारा जो है वो जुम्मा शरीफ जुम्मा मुबारक शुरू होने वाला है और चूंकि यहाँ कुछ लम्हे रह गए फजर के लिए, तो एक दफ़ा जो है हम सब मिलकर दुरूद पाक यानी दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैं शुरू करती हूँ अपने बहुत ही बारगाह इलाही में अपने रब जलाल का नाम लेकर अपने इस प्यारे से लॉग की शुरुआत करती हूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट्स मेरी जो है, कुछ कॉफ़ी चाय और अदर्स जो अरबिक कहवा है वो तमाम चीज़ें हैं मेरे पास इस वक्त। और कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी आज मैंने रखी हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, जो कि मेरी फुल प्रेजेंटेशन अरबिक स्टाइल में है और तमाम वो चीज़ें जो कि यहाँ बहुत यूज़ होती हैं। तो उसके साथ ही मैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह उन तमाम चीज़ों को लेकर मैं चलती हूँ और वो तमाम चीज़ें जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, तो मैं उन चीज़ों को देखते हुए उन तमाम चीज़ों की रेसिपी इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन देती रहूँगी। जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं माशाअल्लाह, उनमें यह अरबिक कहवा है जो कि मैं पहले भी अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और ये नेस्कॉफ़ी तो इंशाअल्लाह रेडी होने ही वाली है नेक्स्ट लॉग में। ये हमारे जो है ये माशाअल्लाह ये हमारी अजवा खजूर स्पेशलिटी मदीना शरीफ से ये आई हुई हैं स्पेशल, और ये मुझे किसी को गिफ्ट करना है। तो उसके साथ ही मैं बहुत ही प्यारी और अच्छी बात जो है करती चलूँ आप तमाम लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नीयत कितनी भी अच्छी हो दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो दिखावा तुम्हारा कितना भी अच्छा हो अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। तो इसमें यही है कि हम जितना कुछ भी अपनी दुनिया के लिए जितना भी काम कर लें, लेकिन हमें हमारी नीयत से ही अल्लाह पहचानता है। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब अल्लाह हमें किसी का असली रंग दिखाता है और हम बार बार इस हकीकत को तस्लीम करने से दावत करते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता। कबूलियत का पहला कदम कामिले यकीन है। अपने इरादों में मुखलिस रहें, आप अल्लाह की मदद को अपने साथ पाएंगे। अल्लाह ताला ने जो कुछ हमारे हिस्से में मुकर्र कर दिया, अगर हम इस पर राज़ी हैं तो गोया हमसे ज़्यादा मालदार शख्स या कोई भी फर्द नहीं हो सकता। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को हमें आसान बनाना पड़ता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। तो हमें अपनी दुनिया में रहते हुए अपने दिन और दुनिया दोनों चीज़ों को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। और जब इंसान अपने रब पर इतना यकीन कर ले तो फिर अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है और उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना उसको मुश्किल बना देता है। तो माशाल्लाह तबारकअल्लाह दुआ दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक देने से आखिरकार दरवाज़ा खुल ही जाता है। हमें छोटे छोटे गुनाहों से बचना चाहिए ताकि हम बड़े गुनाह की तरफ ना जा सकें। जिस दिन हमें कुरान समझ में आ गया माशाल्लाह तबारकअल्लाह, इस दिन हमारा कोई मुस्तक होगा ना ही कोई फिरका। इस्लाम जो है हमें और औरतों को कैद नहीं करता बल्कि हविस परस्तों की नज़रों से बचा के रखता है। लोगों से हमें डरना छोड़ना चाहिए, बल्कि इज्जत तो अल्लाह ताला देता है लोग नहीं देते। जब अल्लाह किसी की मदद करता है तो लामालूम से ऐसे सबक बना देता है कि ना होना भी हो जाता है। मोहब्बत जब अल्लाह से होती है तो मामलात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म हो जाती है। सच्ची तौबा का एक आंसू दोज़ख की आँख बुझाने की ताकत
रखता है। वो रूह कभी भी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान पाक की तिलावत से बुझती हो। तो चलती हूँ मैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह अपने इस बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बातों के साथ। आज की जो चीज़ें हैं वो लॉग में मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ, ये हमारा जो है ये नेस्कॉफ़ी 3-in-1, ये हमारा नेस्कॉफ़ी 3-in-1 है, जो कि इंशाल्लाह ये सिर्फ जो है ये वाटर में यानी पानी में सिर्फ ये बनता है, क्योंकि इसमें मिल्क भी है, कॉफ़ी भी है और क्रीमी कॉफ़ी भी है। तो यहाँ हम आ जाते हैं, ये हमारे जो है ये चाय अहमर यानी कि लिप्टन अल अहमर, ये जो है माशाल्लाह हर तरह की चाय इसमें बनाई जा सकती है। मैंने अभी एक चाय अपनी रेडी की हुई है जो कि चाय हबक यानी कि वो हबक के ज़रिए मैं उसको इस्तेमाल करूँगी, उसमें हबक को यूज़ करूँगी। यहाँ आ जाते हैं, ये हमारी माशाल्लाह जैसे पहले भी दिखाया मैंने, ये हमारी जो है नेस्कॉफ़ी गोल्ड। तो इसकी जो है तीन चार जो है हमारी चीज़ें बनेंगी, कॉपीचिनो बनेगी, मोकाचिनो और लैटे भी बनेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ मैं इसको दिखाती चलूँ, ये जो हमारा है गहवा, ये हमारा गहवा अरबिक है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह इसको मैं यूँ दिखाऊँ, ये हमारा गहवा अरबिक है, जैसे कि यहाँ से नज़र आ रहा है, ये गहवा अरबिक है माशाल्लाह। और इसकी खुशबू जो आ रही है वो मैं बता नहीं सकती। यहाँ आ जाते हैं, ये हमारी खजूरें, ये जो दूसरी एक खजूर है माशाल्लाह, ये भी गिफ्ट है किसी के लिए। तो ये फोकस करें कैमरा, तो ये जो है माशाल्लाह अलजावर लितमुल फाखर, यानी कि ये बहुत ही वीआईपी डेट्स हैं यानी कि खजूरें हैं। और ये इसका बैक मैं दिखाऊँ, वो इस तरह से होता है ये। और ये माशाल्लाह यहाँ गहवे के साथ बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और जो सबसे मज़ेदार जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ दिखाती चलूँ, ये जो हमारा है ये हमारा तहीना है, हलावा तहीना, यानी हलावा तहीना, इसको मैं दिखाऊँ, फोकस करें इसको। तो ये देखें आप कि ये माशाल्लाह ये इस तरह, ये अगर टूटता है तो ये इस तरह, ये हमारा हलावा तहीना, जो कि सुबह के नाश्ते में यहाँ के अरब बहुत यूज़ करते हैं और इसे सैंडविचेस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा हलावा तहीना है जो कि ये मीठा है। अब यहाँ मैं दिखाती चलूँगी, ये हमारा जो तहीना है माशाल्लाह, ये जो है ये थोड़ा हमारा कबाब वगैरह में या हमारे जो है सैंडविचेस में, यहाँ का जो फलाफिल एक है सैंडविच उसमें बनता है, उसके अंदर ये जाता है, उसमें फिलिंग होती है। एक हमारा जो है एक नाजी कबाब, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी दूंगी, उसमें भी ये हमारा तहीना ये जाता है। इसके अंदर खीरा है बहुत ही बारीक बारीक सा। तो ये जो है ये सॉल्टी यानी ये नमकीन ये तहीना है, बहुत ही टेस्टी, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त, चूँकि फ्रेश है और ये तहीना और इसके अंदर ये खीरे हैं बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में, ये सैंडविचेस के अंदर फिलअप होते हैं। यहाँ पर एक अल्ताज़ज ब्रांड जिस तरह का अलबेक है वैसे ही यहाँ पर अल्ताज़ज, तो उसके साथ ये सैलड जो है ये यकीनी है और बहुत ज़रूरी। तो ये जो तहीना सैलड है यहाँ के हर अरबिक जो भी मतआम रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही ज़रूरी सैलड है और अरब बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। चाहे इसके अंदर हम खीरा डालें, चाहे इसमें प्याज डाल दें, चाहे इसमें टमाटर डाल दें, ये बहुत ही वीआईपी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये तहीना सैलड रेडी होता है। इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगी तहीना को, मैं खुद रेडी करके दिखाऊंगी और किस तरह इसकी फिलिंग सैंडविचेस में होती है, कबाबों के ऊपर ये स्प्रिंकल ड्रिजल होता है माशाल्लाह। ये अरब जो है इनके लिए सिर्फ एक रोटी सिंपल हो और ये तहीना, ये जिस तरह ये मेरे बाउल में नज़र आ रहा, बस उसके साथ और कुछ नहीं चाहिए। जो इसका जायका, जो इसकी एक जो मतलब खाने से जो एक एक लुत्फ अंदोज़ इंसान होता है वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये फ्रेश है तहीना। और ये जो तहीना मैंने दिखाया है हलावा तहीना, यानी कि ये हलावा है, देखिए किस तरह इसके रैशेस निकल रहे हैं। सैंडविचेस में भी बच्चों को दिया जाए और बीच में अगर हम थोड़ा सा चीज़ लगा दें तो बहुत ही ज़बरदस्त औसम जो है ये तैयार हो जाती है सैंडविच। ये हमारी हबक है, ये हमारी हबक है माशाल्लाह। तो मैं जो हूँ यहाँ से ये थोड़ी सी हबक जो है इसको यहाँ से निकालती हूँ और ये मैं मेरी जो चाय यहाँ पर है तो मैं अपनी इस चाय में इस हबक को आपके सामने, ये मेरी जो चाय रेडी है यहाँ पे, मैं यहाँ पर इसे इस तरह डाल दूँगी। ये हमारी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारी चाय हबक हमारी रेडी है। इसी तरह यहाँ पर चाय नाना, यानी कि ये हमारी बहुत ही स्पेशली हमारी चाय हबक रेडी हो चुकी है। ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है और टेस्ट में तो लाजवाब।
इतना औसम, इतना मज़ेदार, इतना माशा अल्लाह कि इसका जायका जो जो पीते हैं शायद वो वही जायका इसका बता सकते हैं, चूँकि हवा कहीं मिलती है। और ये मदीने शरीफ की स्पेशली मेरी दोस्त है सारा, मैंने उससे ये मदीने शरीफ से मंगवाया था। तो यहाँ पर मैं दिखाती चलूँ जो हमारी जो ये डेट्स हैं, यानी कि डेट्स जो है माशा अल्लाह, ये जो है डेट्स हमारी, ये हैं अजवा, ये हमारी अजवा खजूर है माशाल्लाह, ये अजवा खजूरें हैं हमारी स्पेशली। ये मुझे मेरा एक भाई है आदिल, उसके लिए स्पेशली मैंने ये मंगवाया है। जो भी कराची जाने वाला होगा ये मेरे भाई आदिल के लिए गिफ्ट है। और ये जो दूसरी खजूर है ये जो मैंने दिखाई वीडियो में, तो ये भी मेरे भाई आदिल के लिए गिफ्ट है। तो ये दो खजूरें, जमजम का पानी और कुछ और भी मैंने उनके लिए गिफ्ट रखे हैं। इंशाल्लाह मैं उनके लिए पूरा एक ख़ास व्लॉग बनाऊंगी अपने भाई के लिए। ये जो अजवा खजूर है ये मेरे भाई ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि बाजी कोई आए तो मुझे ज़रूर जो है अजवा खजूर भिजवाएँ। तो ये जो अजवा खजूर का पैकेट है, बल्कि मैं और एक दो और भी पैकेट लूँगी और मैं ये अपने भाई आदिल के लिए इंशाल्लाह भेजूँगी। अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ ये मेरे भाई तक पहुँच जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह अब जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और एक रिक्वेस्ट करूँगी अपने बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूवर्स और मेरी YT जो यानी कि YouTube फैमिली है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बग़ैर सब्सक्राइब किए आप चैनल पर से मत जाएं। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे आप बग़ैर सब्सक्राइब हुए नहीं जाएं और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और लाइक भी करें और शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को देखते रहें और मुझसे जुड़े रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआओं में याद रखें, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हाल हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से अपने इस ब्लॉग से इंशाअल्लाह, और फिर मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।